हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग लाइफ। फ्रेंड्स देखिए, आज हम ये स्लीव में कैसे हमने डबल बॉर्डर को बाइंड ऑफ करना है सुई की हेल्प से, नीडल की हेल्प से, वो सीखेंगे। और उसके लिए पहले हम थोड़ा सा डबल बॉर्डर बनाएंगे। ये हमने सिंगल बॉर्डर बनाया है, एक सीधा एक उल्टा का, तो इसे डबल कैसे करेंगे। देखिए, पहले हमने इसमें हर फंदे को बुनना होता है। पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, और जो ये उल्टा फंदा है इसे बिना बुने उतार लेंगे, फिर धागा पीछे और सीधा फंदा सीधा। तो हमने पूरी रो में यही करना है, स्लिप द पर्ल स्टिचेस एंड निट द निट स्टिचेस। जो सीधे फंदे हैं उनको बुनते जाएंगे और जो उल्टे फंदे हैं उन्हें स्लिप करते जाएंगे, लेकिन एक बार भी धागा आगे पीछे करना नहीं भूलिएगा। तो ऐसे हमने ये पूरी रो पहले बना लेनी है, निट दिस रो। ये देखिए, हमारे फंदे ऑड नंबर में थे तो लास्ट फंदा हमारा जो है ये उल्टा था, इसे स्लिप किया और सीधे फंदे को सीधा बुन लेंगे। अगर इवन नंबर में होंगे तो अपने लास्ट फंदे को उल्टे को स्लिप कर लेना है और फिर टर्न कर लेना है। अब देखिए, रो टू जो है इसकी डबल वाले की, इसमें हम उल्टे फंदे को हमने स्लिप ही करना है, तो यहाँ पे भी हम स्लिप कर लेंगे और सीधे फंदे को सीधा बुन लेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे, उल्टे फंदे को स्लिप कर देंगे। तो हमने दोनों तरफ से ही सीधे सीधे फंदे को ही बुनना है और उल्टे उल्टे फंदों को धागा आगे करके स्लिप करते जाना है। यानी कि हमने दोनों ही सिलाइयों में सिर्फ सीधे ही फंदे बुनने हैं। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब ये वाली रो भी ऐसे ही बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, वर्क दिस रो। ये देखिए, ये रो भी हमने कंप्लीट कर ली। लास्ट में ये एक फंदा सीधा और जो उल्टा फंदा है इसे स्लिप कर लिया। अब हमने इसी तरह से चार और सिलाइयाँ बुन लेनी है, निक वर्क सिक्स फोर मोर रोज जस्ट लाइक दिस। देखिए, ये जो सीधा फंदा है इसे हम सीधा बुनेंगे, इसमें हमने पहला फंदा स्लिप नहीं करना है। पहला फंदा अगर सीधा है तो इसे सीधा बुनेंगे, उल्टे फंदे को स्लिप करते जाएंगे। तो चार और सिलाई हम ऐसे ही बुन लेंगे, वर्क फोर रोज। ये देखिए, इस तरह से हमने ये छह सिलाइयाँ जो है वो स्लिप करते हुए बुन ली है। अगर आपको ये जो डबल बॉर्डर नीचे से ही बनाना है तो आपको ये एक फंदा सीधा और उल्टा फंदा यहीं से ही स्लिप करना शुरू करना होगा। तो डबल बॉर्डर के लिए हमने स्टार्टिंग में जो है चार सिलाई सिंपल बनाई थी और फिर छह सिलाई हमने डबल वाली बनाई है, यानी कि उल्टे फंदे को स्लिप करते हो। अब हम इससे बाइंड ऑफ करेंगे और नीडल की हेल्प से करेंगे। देखिए कैसे करना है। पहले हम इतना धागा एक्स्ट्रा रखेंगे जितना हमारा वर्क है उसका डबल, प्लस क्योंकि हमने स्लीव को स्टिच भी करना है तो हम इतना सा और एक्स्ट्रा रख के, और फिर इस धागे को काट के नीडल पट ले लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने नीडल पट धागा ले लिया है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको आज बताने जा रही हूँ जिसे आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। देखिए, पहले हमारा जो सीधा फंदा है, ये हमारी नीडल है, सीधे फंदे में जैसे उल्टा बुनते हैं, यानी कि पर्ल वाइज हम ऐसे नीडल डालेंगे और इस धागे को खींच लेंगे ऐसे। सिर्फ आपको स्टार्टिंग के दो स्टेप्स ध्यान से देखने होंगे। ये देखिए, ऐसे हम इस धागे को खींच लेंगे और इसे हमने लूज नहीं रखना है, थोड़ा हल्का टाइट ही रखेंगे। अब ये जो सिलाई के पीछे जो उल्टा फंदा है, देखिए इसे हम ऐसे पीछे से नीडल लेकर आएंगे और इस फंदे को जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे नीडल इंसर्ट करेंगे। देखिएगा, बहुत आराम से ये चली जाती है। अब फिर यहाँ से धागा निकाल लेंगे ये, ऐसे। अब ये जो हमने पहले हमने ऐसे नीडल इंसर्ट की थी, अब इसमें जैसे सीधा बुनते हैं निट वाइज ऐसे नीडल इंसर्ट करके और इसे गिरा भी देंगे और इस धागे को खींच लेंगे। ये देखिएगा ऐसे। अब ये जो हमारा सीधा फंदा है, इसमें हमने पर्ल वाइज जैसे उल्टा बुनते हैं ऐसे नीडल इंसर्ट करनी है और धागा निकाल लेना है ऐसे। अब ये हमने इसमें उल्टा डाला, अब हम इस फंदे में उल्टा इस तरह से धागा डालेंगे और इसे उतार लेंगे और इस फंदे के पीछे जो उल्टा फंदा है ये देखिएगा, इसमें हम निट वाइज ऐसे नीडल इंसर्ट करके धागा निकाल लेंगे। तो इसे याद रखने के लिए जो फॉर्मूला है, जो मेथड है जिससे मैं करती हूँ, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले हम एक बार समझ लेते हैं हमने करना क्या है। ये देखिए, अब हमने ये इसे भी खींच लिया। अब ये जो फंदा है इसमें हम इस तरह से पर्ल वाइज इस तरह से निट वाइज इसे उतार लेंगे, जैसे हम सीधा बुनते ऐसे उतार लेंगे
और इस सीधे फंदे में जैसे हम उल्टा बुनते हैं ऐसे नीडल इंसर्ट कर लेंगे। अब इस उल्टे फंदे में जैसे उल्टा बुनते हैं वैसे इंसर्ट करके इसे उतारेंगे और अगले उल्टे फंदे को जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे नीडल इंसर्ट करके धागा खींच लेंगे। तो ये चार स्टेप्स हैं जिनको अगर आप एक बार रट लेंगे तो आपको ये कभी भी बनाने में मुश्किल नहीं लगेगा। देखिए कैसे, पहले ये निट पर्ल, यानी कि दोनों सीधे फंदों में निट पर्ल किया हमने, एक बार सीधे बुनते हुए उतारा और अगले में उल्टे बुनते हुए नीडल इंसर्ट की, तो इसे हम निट पर्ल बोलेंगे। और उल्टे फंदों में पर्ल निट, यानी कि पहले उल्टा बुनते हुए और फिर ऐसे सीधा बुनते हुए, तो एक बार हमने निट पर्ल करना है और एक बार पर्ल निट करना है, यानी कि सीधा उल्टा, ये देखिए सीधा उल्टा ऐसे उल्टा सीधा सीधा उल्टा उल्टा सीधा उल्टा उल्टा सीधा, ऐसे ही अब हम ये करते जाएंगे। लेकिन जो पहला सीधा उल्टा है वो सीधे फंदों में करेंगे और फिर जो उल्टा सीधा है वो उल्टे फंदों में करेंगे। देखिए सीधा उल्टा फिर उल्टा सीधा, निट वाइज पर्ल वाइज, पर्ल वाइज निट वाइज। तो होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। हम एक बार और करेंगे, उसके बाद हमने इसी को रिपीट करना है। देखिए निट वाइज पर्ल वाइज, सीधे फंदों को निट वाइज पर्ल वाइज, उल्टे फंदों को पर्ल वाइज निट वाइज। तो ऐसे ही अब हम ये सारे फंदों को इस तरह से, देखिए ये डबल होता जाएगा अब, तो सारे फंदों को ऐसे ही बना लेंगे। देखिए लास्ट के तीन फंदे बचे हैं, तो ये सीधे फंदे को निट वाइज उतारेंगे, पर्ल वाइज नीडल निकालेंगे और फिर इस उल्टे फंदे को पर्ल वाइज उतारेंगे। और क्योंकि हमने अब निट वाइज उल्टे फंदे को बुनना था तो उल्टा फंदा है नहीं, इसलिए हम इस धागे को ऐसे ही निकाल कर और फिर इस सीधे फंदे को निट वाइज उतार लेंगे ऐसे। तो ये हमने इस तरह से डबल बॉर्डर ये बना लिया है। अब इसे जब हम स्टिच कर लेंगे और ये अंदर से देखिए ऐसे दिखेगा जैसे हमने इसे फोल्ड करके डबल किया हो। तो अब हम इसे स्टिच भी कर लेंगे और फिर देखते हैं कैसा दिखता है ये। ये देखिए हमने इसे इस तरह से स्टिच कर लिया है, सिल लिया है और ये डबल बॉर्डर हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये देखिए। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए चैनल से। आप इसी तरह से गले का भी बॉर्डर बना सकते हैं सेम। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, थैंक यू।